हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी कच्ची कैरी की चटनी। और कच्ची कैरी की चटनी बनाने के लिए ये लगने वाली सामग्री है: सूखी लाल मिर्च, दो कैरी, लहसुन, हरा धनिया, करी पत्ता, हल्दी, लाल मिर्च, तेल, नमक, जीरा और राई। चलो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैरी को अच्छे से छील लेंगे। मैंने ये कैरी अच्छे से धो के साफ़ करके रखी है। अभी हम इसको अच्छे से छील लेंगे। देखो हमने कैरी अच्छे से छील ली है और काट ली है। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो देना है। उसके बाद उसमें डालना है जीरा, फिर डालना है लहसुन, उसके बाद डालनी है सूखी मिर्च, सूखी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही डालना क्योंकि तीखी चटनी अच्छी लगती है। मुझे तो तीखी चटनी पसंद है, आपको जैसी पसंद है आप वैसे डालो। अगर आपको कम तीखा लगता हो तो कम मिर्च डालना। अभी अच्छे से भून लेना है और लहसुन अच्छे से भून लेना है, मिर्च भी अच्छे से भून लेना है। अभी अच्छे से भून चुका है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। अभी हम ये मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे कटी हुई कैरी, उसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। अब ये सब हमको मिक्सर जार में मिक्स कर लेना है, अच्छे से पीस लेना है। चलो ये हमने सब पीस लिया है और थोड़ा दरदरा पीसा है। ये दरदरा ही पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। उसके बाद उसमें राई डालेंगे। राई को अच्छे से फूलने देना है। राई को फूलने तक थोड़ा रुकना है, राई को फूलने देना है। अभी उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हरा धनिया और अच्छे से घुमा लेंगे। फिर उसमें डालेंगे हमने जो पीस ली थी कैरी की चटनी मिक्सर जार में, वो उसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे।
अभी अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर तक। और अभी हमारी चटनी रेडी हो गई है खाने के लिए। ये देखो हमारी चटनी अभी रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।